वज़ीर दफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बादी पीटीआई को इक्तदार मिलाने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद सर फहरिस्त थी। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ का कहना था कि इन दिनों की दोनों की पार्टनरशिप 9 मई की भी थी और बाद में भी चलती रही। शहादतों से सामने आएगा कि किस तरह 2018 में धांधली की गई। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई के दौरे इकतदार में बहुत से सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हुआ। बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल के बारे में कानून फैसला करेगा। ख्वाजा आसिफ का कहना था डी चौक में 12 हिलाकतों की बात करते हुए लेकिन रेंजर्स और पुलिस एहलकारों की बात नहीं करती, सिपाहियत का कार्ड खेल रहे हैं। ये आखिरी कार्ड है, सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू भी नहीं होगी। जिसके बच्चे पाकिस्तान बैठे हैं वो पैसे क्यों नहीं भेजेगा।